दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसके बारे में आप में से बहुत लोग जानते होंगे। याद करिए, 2004 का साल था। मुख्तार अंसारी के एक साथी को AK-47 के साथ लॉइड मशीन गन के साथ यूपी पुलिस के एक जांबाज डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने पकड़ा था। ये मामला इतना तूल पकड़ा कि सरकार बैकफुट पे थी और तब मुख्यमंत्री जो थे मुलायम सिंह यादव, वो इस मामले को दबाना चाहते थे। लेकिन शैलेंद्र सिंह, जो मूलतः बनारस के, अब चूंकि चंदौली बनारस का हिस्सा नहीं रहा है जब से बनारस जिले का विभाजन हुआ, वो बनारस की मिट्टी के हैं शैलेंद्र सिंह। बनारसी आदमी या तो महादेव के आगे झुकता और किसी के आगे नहीं झुकता है। तो शैलेंद्र सिंह ने सरकार के सामने झुकने के बजाय PPS की नौकरी छोड़ दी, जो कि कल्पना से परे है। मैं पूर्वांचल से खुद हूँ। किसी परिवार का लड़का अगर वो PPS या IAS IPS बनता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। लेकिन शैलेंद्र सिंह ने समझौता न करते हुए मुख्तार वाले मामले में मुलायम सरकार के दबाव में नहीं झुके और इस्तीफा दे दिया। आज हमारे बगल में खड़े हैं, लेकिन इनका एक पर्चा और भी ज़बरदस्त था जो अब मैं बता रहा हूँ। 2004 में शैलेंद्र सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट रूप से, और तब मैं बनारस में था, युवाओं में बड़े लोकप्रिय थे, लगभग 30,000 के करीब वोट पाए और नतीजा ये हुआ कि भाजपा पहली बार 13 सालों में बनारस में लोकसभा चुनाव हार गई थी। नतीजा जीत का फायदा राजेश मिश्रा को मिला, लेकिन हीरो उस चुनाव के अगर कोई था तो शैलेंद्र सिंह थे। नारे बड़े जबरदस्त लगे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में ईमानदारी की मिसाल माने जाते थे शैलेंद्र सिंह जहां भी जाते थे। उस वक्त बहुत पैसा नहीं था इनके पास, मुझे नहीं लगता कि 1,00,000 रुपये भी उन्होंने उस चुनाव में खर्चा किया होगा, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टी 10 से 15 लाख रुपए खर्चा कर रही थी। ये एक अलग पर्चा था। लेकिन अभी जहाँ मैं लेके आया हूँ, इन्होंने एक नई क्रांति कर दी है। नई क्रांति क्या कर दी है कि पिछले 6-7 साल पे जब से भाजपा की सरकार आई है, गौवंश की हत्या बंद हो गई है। शैलेंद्र जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है और गाय बछड़ों का, गाय का, बैलों का, बछड़ों का क्या सदुपयोग करना है, ये इन्होंने यहाँ पे इस जगह पे लखनऊ में गोसाईगंज जेल के पीछे इन्होंने एक बड़ा सा सेटअप बनाया है, लगभग 3 एकड़ में, और ये बैलों के जरिए बिजली पैदा करते हैं और खेती के लिए पानी निकालते हैं। इनसे समझते हैं कैसे कर रहे हैं। ये जो रथ है ना, इसका नाम इन्होंने रखा है नंदी रथ। नंदी रथ पे ट्रेडमिल की तरह बड़ा, बहुत ही प्यारा बना हुआ है ट्रेडमिल की तरह पूरा, उस पे बैल जो है वो चलते हैं और चलने के बाद मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी के जरिए ये बोरिंग से पानी भी निकालते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं और बिजली पैदा करते हैं। तो इनसे समझते हैं कि ये आइडिया इनको कहाँ से आया, और ये जब अब गाय बैलों को लोग सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, और जो आपने खोज की है इससे किसान वापस गाय बैल को सड़क पर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या जो योगी जी और मोदी जी की सरकार के आने के बाद किसानों ने फेस किया कि गोवंश की जो हत्या होती तो बंद हो गई, अच्छी बात है बंद हो गई, लेकिन जो उनके बछड़े और बैल थे वो धीरे धीरे हेडक हो गए किसानों के लिए, प्लस आम पब्लिक के लिए भी, क्योंकि हाईवेज पे जगह जगह एक्सीडेंट होने लगे, वो बैठे रहते थे, रात में दिखते नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में मेरे दिमाग में आया कि किस तरह इनको इससे मुक्ति दिलाई जाए। मैं खुद अपना गौशाला चला रहा हूँ और हमारे ही जब यहाँ पे बछड़े पैदा हुए जो बड़े होने लगे, तो उनको हम बाहर छोड़ते समय हमको दर्द खुद था कि हम बाहर नहीं छोड़ सकते इनको, और इनका उपयोग कैसे किया ये भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि पिछले 5 दशक से आपने देखा होगा तो ये सब नई टेक्नोलॉजी आने के बाद अब बैलों से खेती पूरी तरह से बंद हो गई है। आपने पूछा कि आपके दिमाग में कैसे आया, तो मेरे यहाँ आप देख रहे हैं कि गांव से करीब 1 किलोमीटर बाहर हमारा ये गौशाला है। जब मैंने बिजली कनेक्शन के लिए 2017 में परमिशन मांगा, अप्लाई किया, तो वहाँ से कहा गया कि 7 लाख रुपये आपको तार खंभे देने होंगे, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं है, बेनिफिशरी आप ही हैं। वो मेरे लिए 7 लाख बहुत ज़्यादा था, तो मैंने 5 किलोवाट का सोलर पैनल पॉलिसी गवर्नमेंट के उसके तहत लगाया, लेकिन आप उसकी क्षमता जानते हैं कि बारिश हो जाए, बादल आ जाए, कोहरा हो जाए, तो एफिशिएंसी नहीं मिलती और मुझे दिक्कत होने लगी आगे चल के।
इस बीच में बछड़े हमारे बड़े होने लगे, तो हम लोगों ने बैठ के अपनी टीम ने एक डिस्कस किया कि पहले बैल कोल्हू के रूप में चलते थे, रहट की तरह चलते थे, उस तरह से कुछ उपयोग किया जाए इनका। अच्छा, बैल कोल्हू से आपको आइडिया आया? जो तेल निकालते थे और तमाम चीजें करते थे, रहट हमने बचपन में खुद देखा गांव में। तो मैंने 20 किलोवाट का ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये बनाया 20 किलोवाट पर आवर के लिए, जिसमें 4 लीवर थे, 8 बैल जोड़ी, 4 जोड़ी थे और ये घूमते थे। तो 20 किलोवाट पर आवर इससे बनाया, ये फरवरी 2020 की बात है। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार है वो आए थे, कमिश्नर साहब, DM साहब, CDO साहब, सब लोग आए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के VC आए। उन लोगों ने देखा कि इससे बिजली बन रही है और उस बिजली से तमाम अन्य कार्य हो रहे हैं, मोटर चल रहे हैं। तो लोगों ने उसको देख के मान लिया, बात तो सही है, टेक्नोलॉजी सही है ये, लेकिन थोड़ा सा डाउट किया लोगों ने कि ये बड़े लेवल पे नहीं हो सकता। मतलब ये बैल से आप बिजली बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं बना सकते, एक जगह तो आप चला सकते हैं, 4 घंटे। हाँ, तो मैंने कहा कि बात सही है, टेक्नोलॉजी तो एक सेम ही है, स्वरूप बढ़ा देना होगा, ज़्यादा बड़ा होगा तो लीवर बड़ा होगा, ये सब होगा। तो ये इसी बीच में एक महीने बाद ही लॉकडाउन हो गया, मार्च 2020 में लॉकडाउन हो गया। अब हमारे पास पूरी टीम बैठ गई, कोई काम नहीं था, हम लोग बैठ के सोचने लगे कि इसका क्या किया जाए और किसान कहाँ कहाँ खेत में ले जाके इतना घुमाएगा, अगर उसको पानी निकालना है तो बिजली बनाना है। तब हम लोगों ने कहा कि एक दिन आइडिया है कि ट्रेडमिल पे हम भी तो चलते हैं, क्या बैल नहीं ट्रेडमिल पे चल सकते? तो ये दिमाग में आया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया कि नंदी जी का ट्रेडमिल बनाया जाए। आदमी ट्रेडमिल में चलता है कि अपनी ऊर्जा को लॉस करे, आप यहाँ ट्रेडमिल का यूज कर रहे हैं ऊर्जा बनाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बैल के अंदर शक्ति बहुत है, बैल पावर के अंदर जो उसकी अपनी शक्ति बहुत है, लेकिन हम उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए हेडक हो गए हैं। आप देखते हैं कि सांड को लोग तार से लगा के तमाम बांध रहे हैं कि खेत में घुसे, उनको तोड़ फोड़ के अंदर चला जाता है, किसान लोग मारते रहते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, घूम के इन्हीं लोग को दौड़ा लेता है। तो मैंने कहा इस एनर्जी को चैनलाइज करना है और सही दिशा में ले जाना है और इनको काम देना है। मतलब बैल की पावर को अपने पॉजिटिव रूप में यूज़ करें। रूप में यूज़ किया। तो ट्रेडमिल धीरे धीरे बनाया हम लोगों ने। पहला हमारा जो नंदी, इसका नाम नंदी रथ दिया, इसमें हमने देखा होगा आपने पहिया लगा हुआ है, बैलगाड़ी का शेप है, दो बैल लेके कहीं चले गए, खेत पर किसान ने खड़ा किया, 3x8 का साइज है, कोई ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहा, और वहाँ बोरिंग है उसकी, यूनिवर्सल ज्वाइंट को बोरिंग में अपना फिट किया मशीन में और बैल को चढ़ा दिया इसके ऊपर, ट्रेडमिल के ऊपर, बैल, हाँ ट्रेडमिल के ऊपर। आगे उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम रहेगा, जितनी डिग्री चाहे उतना डिग्री कर ले, जितनी उसको ज़रूरत है, और बैल जब जानते हैं फिसलता है और सामने चारा पड़ा है तो उसको खाने के लिए चलता है, फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो बैल इस पर चलने लगता है, खाना खाता रहता है, उसको मजा आता है। और इसमें आपको हाँकने की भी जरूरत नहीं है, जो गोल गोल घुमाने में आप हाँकिया नहीं तो खड़ा हो जाता है, तो यहाँ हाँकना भी नहीं, प्लस उसका लीवर गोल गोल घुमाने में कंधे पर लोड रहता था, वो बहुत ज्यादा पड़ता था, तो यहाँ कोई लोड भी नहीं है, केवल उसको अपने हिसाब से चलना है। तो ऐसी दशा में नंदी रथ पे हम लोगों ने नाम इसीलिए नंदी रथ दिया कि कहीं लेके इसको किसान चला जाए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर ले। जैसे कितना वेट है इसका नंदी रथ का? पहला हमने जो नंदी रथ बनाया, जो वायरल हुआ मेरा वीडियो, वो 10 क्विंटल था। 10 क्विंटल हमारी टीम ने फिर उस पर काम किया, वो देखिए आधा उसका पड़ा हुआ है, उसको मैं डिसमेंटल कर रहा हूँ। तो उसको लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, लेकिन हम लोग की टीम ने फिर इस पर देखा कि भाई खेत में लेके हम जाएंगे 10 क्विंटल तो बहुत हैवी है, धंसने लगेगा। तो अब जो आपके सामने डिस्प्ले है ये 4 क्विंटल है। कमला आपने 60% उसका वजन कम कर दिया। अब उसको हम लोग फिर जो नेक्स्ट आ रहा है वो 2.5 क्विंटल का खाली होगा। मतलब बहुत ही हल्का रहे। बहुत हल्का, आराम से खेत में लेके चला जाए। इसमें आप पहला नंबर पे सामान ढो सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट जोड़ दिए जिसमें बिजली भी नहीं बनाने की जरूरत है, मैकेनिकल टू मैकेनिकल पानी निकाल लीजिए, पानी आप 25-30 फीट 20 फीट से लेकर 500-700-1000 फीट तक निकाल लीजिए। उसके साथ साथ इसको यूनिवर्सल ज्वाइंट को आपने अटैच कर दिया तो चारा मशीन चलने लगा, आप इसको ज्वाइंट कर दिए उसके 4 आटा चक्की के साथ तो आटा चक्की लो RPM की चलने लगी, कोल्हू के साथ कर दिया आपने तेल कोल्हू तो वो लो RPM का होने लगा, थ्रेशिंग इससे कर लीजिए, यानी जितने चाहे उतनी चीज़ें कर लें। साथ ही साथ इसके अगर किसान सक्षम है तो बैटरी लगा दे, वो साथ साथ काम करते हुए चार्ज होता रहेगा, मतलब पानी भी निकालेगा, बैटरी भी चार्ज होगा। तो शाम को जब लौटा घर से आया
बैल भी आराम कर रहा है, वो भी आराम कर रहा है, और उससे उसने अपना पंखा बिजली बल्ब जो जला रहा है वो सब कर ले। मतलब 500 वाट या 1000 वाट की बिजली वो बैटरी चार्ज आराम से आराम से। अभी हमारा जो 5 किलोवाट का वहाँ लगा है, 5 किलोवाट से 1 HP का 100 फिट नीचे से पानी निकालता है, बल्ब भी जलते हैं, सब आराम से होता है। इसी तरह 2 बैल से देखें 10 किलोवाट का है, इससे 3 HP का मोटर है, वो नीचे से 500 फिट से पानी निकाल दे। मैं इसमें ये भी तो सकता है 5 किलोवाट का लगा के आप पानी के लिए सिंचाई कर रहे हैं और 2 घंटे आपके बैल चलते हैं शिफ्ट में, तो AC भी चल सकता है। AC देखिए, AC पे जर्क बहुत आता है जब स्टार्ट होता है। अच्छा, इनिशियल पावर बहुत चाहिए। तो अब इसके लिए सलूशन है, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े आपने इस तरह किसान ने बना लिया, या किसान छोड़िए व्यापारी बना ले इसको, और इससे बिजली बना के जैसे सोलर पावर को आप ग्रिड में देते हैं ना, उस तरह से कर सकते हैं। उस तरह ग्रिड में दे दिया, जितना यूनिट आपने बनाया ग्रिड में गया, और ग्रिड से आप लेके अपना यूज करिए, तो उसमें आप AC चाहे जो यूज करिए, तो बिजली का बिल आपका एकदम खत्म हो जाएगा। इसमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है अभी जो आप? हाँ, 1.5 लाख। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पर यूनिट कॉस्ट आज सोलर सबसे अच्छा माना जाता है, 3 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आती है। लेकिन सोलर की इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, 4 लाख। मैं आपको बता रहा हूँ, तो सोलर की जो कॉस्ट आती है पूरे प्रोजेक्ट में 3 रुपए यूनिट आती है, हमारी 2 रुपए, और अगर इसको आपने गोबर गोमूत्र उपयोग कर लिया तो 1.5 रुपए यूनिट है। नहीं, इनिशियल कॉस्ट भी तो अंतर है। सो मैं आप पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट इनिशियल सब जोड़ा जाता है, वन टाइम कॉस्ट एस्टेब्लिशमेंट का एंड रनिंग कॉस्ट अगले 20 साल का। अच्छा, तो वो सब जोड़ के फिर निकालते हैं कि कितना आपका पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। अब सपोज तुलना करिए, एक सोलर का 5 करोड़ का 1 मेगावाट का आता है, 5 एकड़ में लगता है, और उससे जो पर डे एफिशिएंसी मिलती है 4-4.5 हजार, और मैक्सिमम राजस्थान जैसे जगह में 5 हजार यूनिट। हमारा भी उतने पैसे में आएगा, केवल 1 एकड़ में लगेगा, 1/5 जगह में, और एफिशिएंसी आपकी 20 हजार यूनिट होगी, 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ बैल को केवल सूरज के ऊपर निर्भर नहीं है कि उतना देर रहा तो चला, यहाँ तो बैल 3 शिफ्ट में 2-2 घंटे करके 8 घंटे बैल एक आराम से दिन भर में काम करेगा, तीनों शिफ्ट आप यूज कर रहे हैं, और इसलिए आपको एफिशिएंसी मिल रही है। दिन भर में एक बैल आराम कर करके 8 घंटे आराम से चल लेगा, तो 2-2 घंटे की एक बैल की शिफ्ट है। बड़ा मान लीजिए बड़ा मेगावाट बना हुआ है, तो उसमें सिंगल सब बैल का बना हुआ है, तो कुछ एक 4-4, 5-5 बैल उतरते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये पूरा तो बैल रात को भी चल सकते हैं अगर? यस, बैल को रात में ज्यादा आराम मिलता है, आपको बताएं, मौसम ठंडा होता है। यस, पहले किसान में आप देखिए रात में मड़ाई होती थी, रात में दवाई होती थी, रात में काटते थे लोग बैलों का, बैलगाड़ी लेके रात में जाते थे लोग, कहीं जाना होता था, तो बैल को रात दिन से कोई मतलब नहीं है, रात में तो उसको और आराम है, और इसमें कुछ देखना भी ज्यादा नहीं है, आदमी का भी मैन पावर नहीं कि हाँकना है, बैल चढ़ा दिया काम कर रहा, 2-4 आदमी बस सुरक्षा में है, देखते रहे कहीं कोई, अगर मान लीजिए एक बैल नहीं भी चल रहा है तो उसको खतरा नहीं है, क्योंकि 1-way bearing लगी है, तो वो बैल का रुक गया कोई दिक्कत नहीं, बाकी चल रहे हैं अपना। अच्छा, एक बैल के खाने पीने में कितना खर्चा करता है? 100 रुपये में एक बैल दिन भर में आराम से खा लेगा। आज हम लोगों ने जो बनाया उसमें एक नंदी जी 100 रुपये अपना खा के और 100 रुपये किसान को बचत देंगे, सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई या अन्य माध्यम, सभी माध्यम से मिनिमम 100 रुपये बचत देगा एक किसान को, एक बैल अगर चार खाना खा के, अगर 4 बैल है तो मतलब महीने का 12,000 रुपये उनको मिल जाएगा। बिल्कुल 12,000 वो कमा लेगा, और शुरुआत में उनको 2-3 लाख रुपये लगाना पड़ेगा। वो देखिए 1.5 लाख हम लोग का मास प्रोडक्शन जाएगा, कॉस्ट आ रहा है एक नंदीरथ का। गवर्नमेंट से हमने आपके भी माध्यम से अपील कर रहा हूँ, पहले भी किया है मैंने, कि अगर आप जिस तरह से निराश्रित गोआश्रय केंद्र में आप लोग सब्सिडी और वहाँ 30 रुपये पर गोवंश पर डे दे रहे हैं, 900 रुपये महीना दे रहे हैं, और पॉलिसी भी है कि 4 गोवंश किसान ले जाके रख सकता है जिसको सरकार दे रही है, उसी पैसे को अगर आप सब्सिडी के रूप में दे दें तो गवर्नमेंट पे बिना एक्स्ट्रा बोझ हुए ये सभी जो गोवंश निराश्रित गोवंश के बोले जा रहे हैं ये सबके पालतू घर के मेंबर हो जाएंगे और आराम से उसको कर लेगा। जैसे 1.5 लाख है, अब उसको अगर आपने 60-70% दे दिया सब्सिडी तो 30-40-50 हजार में आ गया, तो बहुत अच्छे से किसान खरीद लेगा। उतने में तो एक आपका डीजल पंप आता है जिसमें हर घंटे 100 रुपये का डालना ही है डीजल, आपको यहाँ डीजल नहीं डालना, डालना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ खर्च ही नहीं है आपका, केवल 100 रुपये दिन भर में खाएगा वो, उससे ज्यादा आपको दे दे रहा है। आपने इसको पूरा पेटेंट करा दिया है वर्ल्ड लेवल? हाँ बिल्कुल, इसका इंडिया पेटेंट हमारा सितम्बर 2021 में हो गया था, अभी वर्ल्ड पेटेंट हमको 30 मार्च 2023 को
पब्लिश हुआ जो जिनेवा में विपो में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पेटेंट आपका नंदी रथ का है कि गियर का, पूरे प्रोसेस का है? पूरे गियर सिस्टम का है, पूरे गियर सिस्टम पूरे मेन देखिए इसमें गियर सिस्टम का ही कमाल है। डिज़ाइन का भी हमारा पेटेंट है लेकिन प्रोसेस का भी पेटेंट है, गियर सिस्टम भी पेटेंट है, सब अलग अलग पेटेंट है इसका। अच्छा, कोई अगर आपको अप्रोच करना चाहे, जैसे अब आप सोशल मीडिया पर मुझे लगता है करोड़ों लोग आपको देख चुके हैं, तो वो कैसे आपसे बात कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू हमसे लोग कांटेक्ट करते हैं, हमारा नंबर भी उस पर डिस्प्ले है, सब लोग कांटेक्ट करते हैं। और इसके लिए हम लोग अब इन्वेस्टर से भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, और हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं कि एक कॉल सेंटर हो जाए पूरे इंडिया, पैन इंडिया हम लोग को काम करना है, क्योंकि सभी जगह इसकी मांग हो रही है, पूरे इंडिया में हम लोग देख रहे हैं। तो उस तरह से बना के सिस्टम और पूरे इंडिया में हम लोग इसको पहुंचाएंगे, फ्रेंचाइजी मॉडल से तमाम अन्य जो तरीके होते हैं, और आम किसानों तक पहुंचाएंगे उस तरह गवर्नमेंट से। जो नंबर बताना चाहेंगे? हाँ, 9415004670 नंबर है, 9415006470। कोई वेबसाइट वगैरह? कोई वेबसाइट मेरी बन रही है, ऐप अच्छा। भी बन रहा है, जल्दी आपके बीच में आ जाएगा, और इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये नंदी रथ अगले 2 से 3 महीने में आम किसानों तक उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर आदमी के अंदर इच्छा हो तो कुछ भी कर सकता है। आपने सुना होगा कि झारखंड में एक सज्जन ने पहाड़ी पूरा काट दिया था, और यहाँ शैलेंद्र सिंह ने पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद दूसरा चमत्कार कर दिया। बैल का उपयोग कर रहे हैं बिजली पैदा करने में, सिंचाई करने में और तमाम चीज़ों में। इनका जो इनसे जब बातचीत की तो समझ में आया कि इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि गाँव का जो आदमी है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, और जब गांव मजबूत होगा, जिस पंचायती राज की परिकल्पना महात्मा गांधी करते थे और जिस पंचायती राज कानून को राजीव गांधी 1985 में लेके आए थे, उसको मूर्त रूप पहुंचाने में शैलेंद्र सिंह जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इस उम्र में भी लगे हुए हैं। मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि उनकी उम्र 60 साल हो गई है, ये लगते नहीं है भाई साहब 60 साल की। महादेव इनकी मतलब नजर न लगा, इनको और ताकतवर बनाए, और बाबा जो है महादेव इनके इनका जो मेहनत हो रही है, पूरा भारत जो है आर्थिक रूप से संपन्न बने, और गौ वंशों का जो गौ वंश गायों का देश हमारा है, सड़क पे किसान गाय छोड़ देते हैं, बैल छोड़ देते हैं, वो बंद हो, ताकि शहरों पे दुर्घटनाएं भी कम हो और समाज आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत हो। एक चीज़ हम और ऐड करना चाहेंगे, जो इसका छिपा पक्ष है और बहुत दुर्गामी असर है। आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, और ग्लोबल वार्मिंग समस्या से निपटने का तात्कालिक किसी के पास समाधान नहीं है। COP27 की मीटिंग अभी कहे मिस्र में हुई, और उसमें इंडिया ने भी ये कहा कि 2070 तक हम जीरो कार्बन फुटप्रिंट पे काम करेंगे। और हमारे पूरे सिस्टम में आप देख रहे हैं सब कुछ इको फ्रेंडली है, कहीं ना डीजल का उपयोग है, ना कहीं ऐसी चीज़ का उपयोग है जो कि माइनिंग हो रही हो। सोलर में तो आप सिलिकॉन लगाते हैं, उसके लिए माइनिंग होती है, 25 साल बाद प्लेट को कहाँ फेंकेंगे, डिस्पोजल करेंगे, वो भी एक समस्या आने वाले समय में, जैसे प्लास्टिक की हुई। तो इस फील्ड में आपको कुछ भी वेस्ट ऐसा नहीं है जो नुकसान करता है। जैसे एक बात उठती है कि गाय के गोबर से मीथेन निकलता है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, लेकिन हम लोग के यहाँ सिस्टम आपने देखा होगा, गोबर गैस प्लांट है, उसमें गया गोबर, गैस निकली खाने में उपयोग हो गया, प्लस स्लरी निकली खाद में उपयोग हो गया, यानी कोई वेस्ट नहीं है। हम लोग जीरो कार्बन फुटप्रिंट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो 4-5 फायदे जो डायरेक्ट दिख रहे हैं, पहला किसान का लागत कम हो गई, क्वालिटी ऑर्गेनिक हो गई, मुनाफा हुआ। दूसरा, बेरोजगारों को जॉब मिला प्रोसेसिंग करने में, आटा तेल कोलो चक्की से लेकर और उसको होम डिलीवरी तक में डीजल फ्री व्हीकल से, जो हमारा ये हाइड्रोलिक एंड लीवर रिक्शा है। और तीसरा, कंज्यूमर को कम रेट पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स किचन के मिल रहे हैं, जो आज 2-3 गुने दाम पे हैं। 3 ये वर्ग को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ। चौथा डायरेक्ट फ़ायदा सरकार को हो रहा है कि जो डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन मनी आपकी जा रही है उसमें, वो आपका बचेगा। और 5वां, जिसको मैंने कहा दूरगामी प्रभाव है, वो है पर्यावरण का। क्यों? क्योंकि इसमें प्राकृतिक खेती होती है, तो ज़मीन आपका शुद्ध होता है, वाटर का लेवल नीचे जाता है, क्योंकि देसी केचुआ सक्रिय होते तो होल बना देते हैं, तो वाटर ग्राउंड जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल है वो बढ़ जाता है,
तो जल भी बढ़िया शुद्ध हो रहा है, धरती भी शुद्ध हो रही, और साथ ही ऊपर कार्बन नहीं जा रहा है तो आपका वायुमंडल भी शुद्ध हो रहा है। तो पर्यावरण के लिहाज से ये बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर आने वाले समय में इस बिजनेस में कार्बन क्रेडिट बहुत मिलेगी हम लोग को, उससे देश को बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।